अरे अब खिलाफ था कि पक्ष था ये तो वो जाने, राष्ट्रीय जनता दल में मैं था तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही तो मोहरा खेल रहे थे, इसीलिए मैंने लिखा है कि वो मोहरा खेल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था, मैं मोहरा को रिश्ता समझ रहा था, वो मोहरा को मोहरा समझ रहे थे। समझ नहीं पाया क्या? अब ये तो उनसे पूछिएगा। मैं आंदोलन जेपी से शुरू किया और राजनीति चंद्रशेखर जी से शुरू किया, इसलिए स्वाभिमान और सम्मान और विजन, काम का विजन के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपको क्या हाशिए पर रख दिया गया था क्या राष्ट्रीय जनता दल में? अब ये तो वो जाने, आप लोग ज्यादा पत्रकार हैं, आप लोग ज्यादा आकलन करते हैं, आप आकलन कीजिए कि मैं हाशिए पर था कि मैं मुख्यधारा में था। राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने का सर है, बहुत समय जुड़े हुए पहले भी थे आप। मैं तो निर्माण करता रहा हूँ, लेकिन जिन मूल्यों को लेकर करके हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया था वो मूल्य में कहीं न कहीं ह्रास हुआ है। खबर आ रही है कि जनता दल यू अब, मैं अभी तक विचार नहीं किया हूँ और मैं राजनीतिक मान्यता के साथ राजनीति करता हूँ, मैं जिस दल में रहता हूँ उस दल के साथ ईमानदारी से निभाता हूँ। दल से जब मैं इस्तीफा दे दिया अब मेरे सामने दरवाजा खुले हुए हैं, अब सबसे बात हो सकती है। मेरे सामने दो ही विकल्प है, या तो संन्यास ले लूं या जो हमारा अधूरा काम है फुलवारी के जनता का ऋण जो है उसका चुकता करूं, और जो दलितों की लड़ाई में शुरू से लड़ता रहा हूं, नौजवानों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, उस दलितों के जो हाशिए पर हैं उसकी लड़ाई लड़ कर करके उसको हम कुछ अगर आंसू के दो आंसू भी हम अगर पोंछ पाए तो मैं समझूं कि मेरा जीवन सिद्ध हुआ। आपसे किसी ने बात की? आपने इस्तीफा दिया राष्ट्रीय जनता दल से? अभी तक किसी ने बात नहीं। अब बात क्यों करेंगे, बात क्यों करेंगे? मैंने उनसे रिश्ता तोड़ा है, क्यों? ये तो एक दिन का फैसला हो नहीं सकता यार। मेरा आज का फैसला है, यानी कि मन में आपके दर्द है या कुछ बातें? मेरा फैसला आज है, आज का है। मैं इधर बहुत परेशान भी रहा, मेरी पत्नी का किडनी खराब है और मैं डायलिसिस में परेशान रहता हूँ, उसका मेरे साथ भी फेशियल अटैक हुआ उसमें परेशान रहा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं दल के लिए ईमानदारी से खटता रहा, करता रहा, अलग कि जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाता था।